सैन्य अफसरों की ओर से शहादत के मामले में अग्निवीरों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन देने की मांग उठाई जा रही है। ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले अग्निवीरों के परिजनों के लिए हालांकि रक्षा मंत्रालय की सहायता करीब करीब नियमित जवानों जैसी ही है, लेकिन पारिवारिक पेंशन जैसी कोई स्थायी सुविधा नहीं होने से सरकार पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सेना की ओर से और बाहर से भी इस तरह की आवाजें उठाई जा रही है कि देश के लिए शहीद होने वाले जवान के परिजनों को पेंशन एवं अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। गौरतलब है, तीनों सेनाओं में पिछले साल अग्निपथ योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत जवानों की 4 साल के लिए भर्ती का प्रावधान किया गया था। योजना के तहत अब अग्निवीरों की तैनाती सेनाओं में अग्रिम मोर्चे पर होने लगी है। वे नियमित सैनिकों की भांति कार्य भी कर रहे हैं। एक दिन पहले ही एक अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान सियाचिन में शहादत हुई थी। हालांकि इससे पहले भी एक अग्निवीर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो ड्यूटी के दौरान नहीं हुई थी। दूसरी घटना में सेना ने अग्निवीर की देश के लिए हुई शहादत को सलाम किया है, साथ ही सभी लाभ भी देने का ऐलान किया है जो कि नियमित सैनिकों को मिलते हैं। नियमित सैनिकों को पारिवारिक पेंशन का लाभ भी दिया जाता है। पूर्व सैन्य अफसरों की ओर से शहादत के मामले में अग्निवीरों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन देने की मांग उठाई जा रही है। बताते चले कि नियमित सैनिकों के आश्रितों को सेना में भर्ती की प्राथमिकता भी दी जाती है, हालांकि इस प्रकार का प्रावधान अग्निवीरों के मामले में नहीं किया गया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अग्निपथ योजना को लेकर सरकार के पास कई सुझाव आए हैं। इनमें से कुछ को स्वीकार कर योजना को सुधारने को लेकर भी रक्षा मंत्रालय गंभीर है, जैसे कि 25% अग्निवीरों को नियमित करने के मौजूदा प्रावधान को 50% करने और शहादत के मामले में परिजनों को लाभ दिए जाना शामिल है। सुझाव ये भी है कि 4 साल के कार्यकाल को भी थोड़ा आगे बढ़ाया जाना चाहिए।